टैटू बनवाने के 6 महीने बाद तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तो क्या मतलब टैटू से कैंसर हो सकता है? ये जानने के लिए पहले टैटू बनाने के प्रोसेस और उसकी इंक को समझना पड़ेगा। स्किन के 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। टैटू करवाते टाइम मशीन की नीडल एपिडर्मिस से होकर डर्मिस तक जाती है और वहाँ इंक पार्टिकल्स को डिपॉजिट करके वापस स्किन से बाहर आ जाती है। टैटू मशीन की हेल्प से ये सेम प्रोसेस 1 मिनट में 300 से 1000 बार रिपीट हो सकता है। टैटू इंक डाई प्लास्टिक्स और सॉलिड पार्टिकल से बना हुआ होता है और इसीलिए बॉडी इसे फॉरेन सब्सटेंस यानी दुश्मन की तरह ट्रीट करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स इसे डाइजेस्ट यानी खत्म करने के लिए अटैक करते हैं, बट इसमें नॉन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होने की वजह से ये फुली डाइजेस्ट नहीं होती। डाइजेशन पॉसिबल ना होने की वजह से WBCs इसे ट्रैप कर लेते हैं ताकि इंक के पार्टिकल बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ना फैल सके। बात करें कैंसर की तो टैटू से कैंसर होने का कोई पक्का प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर सेफ्टी और हाइजीन का ध्यान ना रखा जाए तो वेरियस स्किन डिजीजेस और एलर्जीज भी हो सकती हैं। कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पे आने वाली है, तो आर्मेचर स्टूडियोज को अभी सब्सक्राइब करो।